पिछोर के दीवानजू कॉलोनी में ब्रह्मा कुमारी शिव साधना धाम का हुआ भव्य उद्घाटन। माउंट आबू में हुई आदरणीय राज्य योगिनी अवधेश ब्रह्मा जी के कर कमलों द्वारा उद्घाटन किया गया। ब्रह्मा कुमारी संस्था पिछोर में कई वर्षों से चल रही है। अब पिछोर नगर के लोगों के लिए एक भवन शिव साधना धाम का निर्माण दीवानजू कॉलोनी में किया गया। इस भवन के उद्घाटन में ब्रह्मा कुमारी संस्था की बहने एवं भाई उपस्थित रहे। इस कार्यक्रम में पिछोर थाना प्रभारी शिव सिंह यादव भी उपस्थित रहे। परमात्मा का उपदेश लोगों तक पहुंचाना संस्था का मुख्य कार्य रहता है। मानव जीवन में हमें किस तरह से परमेश्वर को याद रखना चाहिए, इस बारे में भी बताया जाता है। जो व्यक्ति प्रतिदिन साधना केंद्र पहुंचते हैं, उन्हें शांति मिलती है और उनका बौद्धिक विकास भी होता है। इस तरह से आपको बता दें कि पिछोर के लिए गौरव की बात है कि पिछोर शहर में ब्रह्मा कुमारी शिव साधना धाम के भवन का निर्माण हुआ और आज उस भवन का भव्य उद्घाटन भी किया गया। माउंट आबू से हुई आदरणीय राज्ययोगिनी अवधेश बहन जी ने बताया कि पिछोर के लिए गौरव की बात है कि भगवान का इतना सुंदर भवन बनकर तैयार हुआ है और आज इसका उद्घाटन भी हुआ है। पिछोरवासी यहाँ प्रतिदिन आए और ईश्वर के संदेश को समझें। भगवान को हम चारों तरफ ढूंढ रहे हैं। ईश्वर को समझने का एक अच्छा तरीका और यहाँ से अपने साथ ज्ञान का भंडार लेकर हर व्यक्ति जाएगा और परमात्मा का उपदेश अच्छे से अच्छे रोगी को निरोगी कर देगा। कार्यक्रम के अंत में ब्रह्मा कुमारी संस्था की बहन राजकुमारी जी ने आए हुए अतिथियों का आभार व्यक्त किया। संवाददाता सचिन राज भट्ट की रिपोर्ट। दीदी, आज पिछोर के लिए गौरव की बात है कि पिछोर में आश्रम तैयार किया गया और आज उसका भव्य उद्घाटन हुआ, क्या कहेंगे इस बारे में? आज का दिन अपने आप में बहुत सौभाग्यशाली है पिछोर वासियों के लिए, क्योंकि भगवान की अनुकंपा के हिसाब से पिछोर में बहुत अच्छा भवन बना है, शिव साधना भवन। जिस भगवान को हम ढूंढते आ रहे हैं, पुकार रहे हैं, कहाँ कहाँ जा रहे हैं, वो स्वयंभू निराकार परमात्मा इस धरा पर अवतरित होकर के अपने सभी बच्चों को संदेश दे रहे हैं। तो पिछोर वासियों के लिए तो गौरव की बात है कि इतना अच्छा भवन बना है। मेरी शुभ भावना ये है कि यहाँ आकर के वास्तविक रूप से आप भगवान को समझें और कैसे राजयोग मेडिटेशन के द्वारा सर्व समस्याओं का समाधान होता है वो अनुभव करें।